टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होता है और उसके स्टेप्स हम लोगों ने जान लिया, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग हम लोग जानने वाले हैं। प्रोग्रामिंग क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर के उसको लिखना, उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं, जैसे हम लोगों ने कोडिंग किया था। ये मेनली क्या है, जो प्रोग्रामिंग है कितने टाइप्स का होता है, मेनली तीन तरह का होता है, तीन तरह का, और जो उसके स्टेप्स थे वो छः तरह के थे। तो तीन तरह के कौन कौन से लैंग्वेजेस होते हैं, सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और तीसरा होता है सिस्टम स्पेशल पर्पज, स्पेशल पर्पज लैंग्वेज, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजरल, तीन चीज़ें हो गई, ठीक है। तो प्रोसीजरल मतलब क्या होता है कि जो जी ऐसा जो लैंग्वेज होता है जो हेल्प करता है डेटा के स्टोर करने में और उसको रिट्राइव करने में, ये फंडामेंटल इसका है, ऐसे ऑपरेशंस इसमें सॉल्व होते हैं। तो लैंग्वेज इन हिज प्रोग्राम आर रिटन सीक्वेंस स्टेटमेंट मैनिपुलेट डेटा आइटम एंड चेंज द कंटेम्पररी मेमोरी सेल्स, मतलब डेटा आइटम इसमें मैनिपुलेट किया जा सके और मेमोरी सेल्स इसमें काम कर सके, उसको चेंज कर सके, तो इसमें प्रोसीजरल डेटा होता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल दिया है तो दो तीन एग्जांपल है, जैसे फोरट्रेन, फोरट्रेन मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, ये इंजीनियरिंग और मैथमेटिकल्स डिपार्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता था। एक कोबोल है, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये बिजनेस के लिए यूज़ होता था। पास्कल चाचा का नाम सुना होगा, इस बंदे ने कैलकुलेटर बनाया था पास्कल, और इसने इसका जो ये पास्कल है ना, ये ज़्यादातर यूज़ होता है विंडोज़ को बनाने में। सी जो है ये लैंग्वेज है, गाली के रूप में भी यूज़ किया जाता है लेकिन सी लैंग्वेज है, ठीक है। तो एक सी जो है यूनिक्स के रूप में यूज़ किया जाता था, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में उसके राइटिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। और ये लेवल इंफॉर्मेशन एस नॉलेज वेयर स्टोर्ड मेमोरी, तो ये मेन चीज़ है यूनिक्स के साथ इसको जोड़ करके करना, ठीक है। तो ये सबसे पहला हम लोगों ने देखा किस चीज़ के लिए, प्रोसीजरल लैंग्वेज के लिए। अब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज को देख लेते हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही एग्जांपल है जावा का। तो ये एक निश्चित ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे लाइब्रेरी में क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सर्कुलेशन, एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, ये सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इन सब ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो लैंग्वेज होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो जिसमें जावा है, जावा क्या है ना, वो WWW से जुड़ा हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ा हुआ। अब इसमें डेटा को हम लोग सीधे कनेक्ट कर सकते हैं WWW से, और एक साधारण कंप्यूटर से उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये जावा चाचा थे। स्पेशल पर्पस लैंग्वेजेस क्या होते हैं, जो एक खास पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जैसे स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज SQL, आपने नाम सुना भी होगा। तो दरअसल ये डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए और फैक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, मेनली डेटा बेस को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, आपने सुना भी होगा। पर्ल है प्रैक्टिस एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज, ये आर्बिट्रेरी टेक्स्ट को स्कैन करने के लिए किया जाता है। HTML जिंदाबाद, सारे लोग जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अभी उसमें किया भी था हम लोगों ने वेब पेज डिज़ाइन में। तो HTML में क्या होता है, वेब पेज वगैरह डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है, एक कोडिंग होता है, ठीक है, आपने उसमें किया भी था मार्कअप लैंग्वेज में। सो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ लैंग्वेज, ये सब तीन अलग अलग समयों में आए हुए क्वेश्चंस हैं और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।